इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण और मेरे चैनल इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ दिल की बात मैं करना चाहूँगी कि इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका जो सेकेंड वीडियो था 2015 में जो मैंने 12 अक्टूबर को डाला था, वो था मेकअप ट्यूटोरियल फॉर वेडिंग एनिवर्सरी। जी हाँ, मैंने ये सेकेंड वीडियो डाला था, क्योंकि उस समय जब मैंने इस वीडियो को सर्च किया था ना अपने चैनल पर नहीं, यूट्यूब के सर्च पेज पर, तो मुझे एक भी इंडियन मेकअप ट्यूटोरियल नहीं मिला था। और फिर मैंने इसे पोस्ट किया था और तभी से मैंने मतलब ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर क्या करना है। तो आज भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, ये बात 2018 तक आ गई है। 2015 के 12 अक्टूबर से ऑलमोस्ट मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस चैनल पर अब मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगी, और तब मैं रेगुलरली मतलब हफ्ते में एक बार वीडियो अपलोड करती थी, और आज रेगुलरली मतलब दिन के दो वीडियो मैं देती हूँ आप सभी को। मतलब बहुत अच्छा लगता है यार कि इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी की जो फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है और आप इतना पसंद करते हैं इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी के वीडियोस, बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो वीडियो है, मेकअप ट्यूटोरियल ही नहीं, तो मैं बहुत सारी अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इस समय आरती की आवाज़ आ रही है, क्योंकि घर में आरती हो रही है, क्योंकि नवरात्रि चालू है और नवरात्रि का आज सेकेंड डे है। कल है 12 अक्टूबर, पर जब आप इस वीडियो को देखोगे तब होगा 12 अक्टूबर। तो कल है मेरी वेडिंग मैरिज एनिवर्सरी और मेरी शादी को हो जाएंगे 11 साल। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ और वहाँ पर आरती चल रही है, जस्ट बिकॉज कि महीने के वो दिन चालू है जब मैं आरती ज्वाइन नहीं कर सकती, तो आप समझ ही सकते राइट। तो आज मैं मेकअप करते करते आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहूँगी, और यही मेकअप मैं कल अपने क्या बोलते हैं वेडिंग एनिवर्सरी पर भी क्रिएट करने वाली हूँ। पर कल शायद मैं ये सारी चीज़ें शूट ना करूँ, फिर आप मुझे पुष्ट करते कि किरण प्लीज़ आप अपना मेकअप दिखाइए, इसलिए आज मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही मैं आपको अपना मेकअप दिखा दूँ। और मैं आज जो भी मेकअप करने वाली हूँ वो राज के पसंद का करने वाली हूँ। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है, राज को एकदम बोल्ड आइज पसंद है, जहाँ पर कुछ मतलब ऐसा विंग आईलाइनर हो, काजल से भरी हुई हो, मतलब राज को वैसी वाली आईज या वैसा वाला आई मेकअप बहुत पसंद है। और लिप्स बोल्ड ज़्यादा नहीं पसंद है, उन्हें न्यूट कलर ज़्यादा पसंद है, पर अगर उन्हें बोल्ड लिप्स पसंद होता है तब सिर्फ बोल्ड लिप्स होना चाहिए। तो वो मतलब बहुत ही सुलझे हुए हैं और मुझे हमेशा बहुत नाइसली गाइड करते हैं मेरे मेकअप के लिए वगैरह, तो उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट रहता है मेरे मेकअप में, मेरी चीज़ों में, और वो हमेशा ही मुझे अच्छे से गाइड करते हैं, चाहे मेरे कपड़ों के बारे में हो, चाहे किसी भी बारे में हो, ही ऑलवेज गाइड मी बेस्ट। तो बस अभी मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी। तो फेस मॉइस्चराइज करते करते मुझे प्रसाद भी मिल गया है, तो प्रसाद गया मेरे मुंह में, भगवान जी का नाम ले लिया है मैंने। चलिए अभी मॉइस्चराइज करते हैं। यहाँ पर मैं ये फेसेस हाइड्रा फेस मॉइस्चराइजर यूज़ करी हूँ। जितने भी आज प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी ना, उन सारे प्रोडक्ट्स का नाम मैं नीचे लिख दूँगी, जिससे मुझे बार बार बताना ना पड़े और हमारी बातों में ना कोई रुकावट ना आए। सो नेक्स्ट मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी राज के बारे में, वैसे हर एक वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बातें कर सकती है, सेम लाइक मी। और मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो मेरे चैनल पर, तो कुछ तो मिस कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं ये जानना, तो आपको रेगुलरली मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे रिसेंटली राज ने कैमरा गिफ्ट किया है व्लॉगिंग के लिए, और ये बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं था, या कभी मैंने पूछा भी नहीं या बोला भी नहीं कि मुझे कैमरा चाहिए। सो जब कैमरा मेरे पास आया
वैसे मुझे 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि उन्होंने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया है, क्योंकि आजकल यार इंटरनेट का ज़माना है तो सारी चीज़ें पता चल जाती है कि इधर क्या पैसे गए हैं, कहाँ से क्या शॉपिंग हुई है, क्योंकि मेल वगैरह आ जाता है, सब पता चल जाता है। तो मुझे पता चल गया था कि मुझे एक कैमरा गिफ्ट में मिल रहा है, और 2 दिन के बाद वो 2 अक्टूबर को आई थिंक मिल गया था। तो ब्लॉग मैंने किया था उस दिन भी, मैं डेली ब्लॉग करती हूँ तो क्या। ओके, तो नेक्स्ट फाउंडेशन। सो मुझे काफ़ी हेवी लुक नहीं चाहिए फॉर दिस मेकअप, इसलिए मैं बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि चेहरे पर एक हल्का सा सॉफ्ट सा बेस रहे और स्किन थोड़ी फ्लॉलेस लगे, क्योंकि राज लव्स दैट काइंड ऑफ मेकअप। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे बीबी क्रीम लगा रही हूँ। सो आपके हस्बैंड किस तरह का मेकअप पसंद करते हैं, जब आप तैयार होते तो आपको किस तरह की चीज़ें बताते हैं, बताइएगा ज़रूर। मैं तो अपनी चीज़ें आपके साथ बहुत इजीली शेयर कर देती हूँ, पर कभी कभी ना आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। तो जस्ट कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ मुझे बताइए कि किस तरह का जो मेकअप है आपके हस्बैंड आपके लिए पसंद करते हैं, तो मुझे भी जानने में अच्छा लगेगा कि वाओ इस तरह के भी, मतलब हर इंसान की जो भी सोच है वो अलग होती है ना, तो मुझे भी कुछ नई सोच या रेगुलर सोच जो भी वो पता तो चलनी चाहिए। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ कंसीलर, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मुझे अच्छा लगता है कंसीलर लगाना, जिससे ना चेहरे में और एक अच्छा लुक आ जाता है, राइट। सबको नहीं पसंद आता है मैंने ये देखा, पर मुझे तो बहुत पसंद आता है कंसीलर लगाना। और अगर आप कंसीलर को अच्छे से लगा लो ना, तो पता भी नहीं चलता कभी कभी कि आपने कुछ ऐसा लगाया है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट गुड ब्लेंडिंग। अगर आप अपने मेकअप को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हो ना, तो लिटरली आपका मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर कंसीलर अच्छे से लगा लूँ मैं, और बस। और आप सोच रहे होंगे कि राज ने तो मुझे कैमरा गिफ्ट कर दिया है, मैं क्या करूँगी। तो एज़ यूजुअल मुझे घर से बाहर निकलने के लिए टाइम नहीं है, मैं कुछ भी खरीदने जाती हूँ, मिस्टर राज मुझे क्या बोलते हैं, अरे मेरे पास ये है, अरे मेरे पास वो है। तो मेरे लिए हो जाता है कंफ्यूजन कि मैं क्या दूँ, और जेंट्स के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं एज़ कम्पेयर टू हम लोगों से, मतलब बहुत लिमिटेड होते हैं। फर्स्ट सेकेंड मैं सोचती रह जाती हूँ, तो तब तक मतलब, और राज इतने पर्टिकुलर है, अगर मैंने सोच लिया कि ये चीज़ मैं उन्हें गिफ्ट कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है। बिकॉज वो बहुत मतलब अपनी चीज़ें सोच समझ कर लेते हैं। अगर आप उनके कपड़ों की भी बात करें ना, तो उनके पास बहुत लिमिटेड कपड़े होते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं पसंद है कि बहुत सारे कपड़े वार्डरोब में पड़े रहे और फिर वो सोचे कि मैं क्या पहनूँ। उनका एकदम क्लियर होता है कि मेरे पास इतने ही शर्ट होने चाहिए, इतनी टी शर्ट, इतने पैंट, और मैं ये पहनूँ ये पहनूँ, मतलब ही इज़ द पर्सन ही लव्स मिनिमम एंड आई एम द पर्सन आई लव अ लॉट। तो इस तरह की हमारी जोड़ी है दोनों की। तो कंसीलर लगाती हूँ, और आप भी बताइएगा कि आपके हस्बैंड भी कहीं ऐसे तो नहीं है कि उन्हें कम से कम पसंद है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद है, बताइएगा। तो अभी अभी मैंने अपने आईब्रोज को फिल किया है, और आज मैं कॉम्पैक्ट नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी को बताया कि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है। तो मैंने आज सोचा कि यार कॉम्पैक्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल जो मौसम चल रहा है ना, ये कैसा है ना कि ज़्यादा पसीना वगैरह नहीं आ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि मेरा मेकअप बह जाएगा। और मैं ऐसा स्पेशल तो कुछ कर नहीं रही हूँ कि चलो बाबा मैं घर से बाहर जाने वाली हूँ तो मुझे एकदम सेट मेकअप चाहिए, चलेगा। नॉर्मल मिनिमम मेकअप भी चलेगा। राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं कौन सा आई शेडो लगाऊँ, और बात करी जाए राज को, तो एज आई टोल्ड यू कि राज को बहुत मिनिमम पसंद है, सो मैं मिनिमम वाला ही मेकअप करना चाहूँगी, राइट। तो बस मैं हल्की सी क्रीज लाइन बना लूँगी एंड एक आई शेडो लगा लूँगी शिमरी सा, जो कि उन्हें पसंद है। सो यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सा लाइट सा पिंक कलर लूँगी, मुझे बहुत इंटेंस कलर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं धीरे से कलर को अपने आँखों पर इस तरह से लगा लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, बोलते बोलते ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो ही गया है, तो यहाँ पर भी मुझे वैसे ही लगाना पड़ेगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आई शेडो नाइसली लगा लिया है और मेरे थोड़े से नेल्स में भी चला गया है। ऐसा होता है जब मैं बातें करते हुए मेकअप करती हूँ ना, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। सो राइट नाउ आई हैव दिस लवली शेड पैलेट, तो आई थिंक आई नीड दिस शिमरी शेड, ये वाला। सो इसे मैं लाइटली अपने आँखों के ऊपर लगा लूँगी। बेस्ट पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगी राज के बारे में कि मुझे कभी उनसे जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ आज की इस तारीख में, आपको पता ही है, उन सारी चीज़ों के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ी या कोई मतलब मुझे परेशानी नहीं हुई। ही ऑलवेज सपोर्टेड मी कि तुम्हें जो भी पसंद है अगर तुम करना चाहती हो तो करो, एंड आई थिंक उन्हीं की वजह से आज मैं कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ अकेले इतनी सारी चीज़ें करना, मेनली खुद का ऑफिस खोल कर उसे चलाना, इट्स नॉट अ जोक और इट्स नॉट दैट ईजी, बट थैंक्स टू राज जिन्होंने मुझे ये सारी करने के लिए सपोर्ट किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आईलाइनर लगा चुकी हूँ, क्योंकि बात करते हुए आईलाइनर लगाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप सभी को रीज़न पता है। सो राज को मेनली ऐसा वाला जो आई मेकअप है बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और अगर मैं काजल लगाऊँ ना तो फिर उन्हें वो स्मोकी काइंड ऑफ आई मेकअप चाहिए होता है। सो आई थिंक मैं आज इसी तरह से वो करने वाली हूँ, एंड बस थोड़ा सा मस्कारा। सो फर्स्ट टाइम जब मैंने राज को पूछा था ना कि आपको मेरे फेस में से सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी लगती है, सो आपको क्या लगता है उन्होंने क्या बोला होगा? जस्ट पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स। सो आई रियली होप कि आपने आंसर दे दिया होगा, बस मैं नीचे आई लैशेज पर लगा लूँ और फिर बताती हूँ आंसर। सो आई एम श्योर कि आपने आंसर आईज दिए होंगे, और जब मैंने राज को पूछा था तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी, बट देन आई रियलाइज कि उन्होंने ये चीज़ तो नहीं बोली जो मैं बोल रही हूँ आपको कि आईज नहीं, उन्होंने भी आईज नहीं बोला था। उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी नोज़ बहुत अच्छी है, एंड मैंने बोला कि क्या मेरी नाक, आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला कि मेरी नाक अच्छी है, यू आर द फर्स्ट जिसने मुझे बोला कि मेरी नाक अच्छी है। सो यहाँ पर मैं लगाऊंगी हाइलाइटर, ये पैलेट मैंने अभी खोला है, मुझे भी नहीं पता ये कैसा है, पर मेकअप रिवोल्यूशन का है तो अच्छा ही होगा। और आज से पहले मैंने ये वाला हाइलाइटर या ब्लश नहीं यूज़ किया है। सो देख सकते हैं ग्लो कुछ ज़्यादा लग गया बातों बातों में। अब लगाएंगे ब्लश। फाइनली बारी आती है रेड लिपस्टिक की। यहाँ पर मेरी शुगर की ये जो मैट एज ए हेल्प क्रेयॉन स्कारलेट ओहारा, मेरा फेवरेट रेड शेड। रेड शेड लग गया है, एंड कैमरा में क्या लग रहा है ये, गॉड। चलिए मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ, मेन थिंग सिंदूर फूल लगा लूँ, बिंदी लगा लूँ और साड़ी पहन लूँ। तो आई थिंक मैं आपको प्रॉपरली तैयार होकर विथ माय आउटफिट मिलती हूँ, तो फिर आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ।
तो देखो आप सभी ने मेरी साड़ी, मेरा मेकअप, आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। आप अपने वेडिंग एनिवर्सरी पर ऐसी क्या स्पेशल चीज़ करते हैं वो मेरे साथ पक्का शेयर करिएगा। मैं और राज ऐसा कुछ खास तो नहीं करते हैं, पर लास्ट कुछ सालों से हर 12 को हम लोग बाहर खाना खाते हैं। जी हाँ, हर महीने के 12 को हम लोग बाहर खाना खाते हैं। फर्स्ट ये चीज़ हम लोग लास्ट ऑलमोस्ट 11 साल से कर रहे हैं, और अगर हम बाहर खाना नहीं खा पाए तो घर में खाना मंगवा कर खा लेते हैं, और अगर हम घर पर भी खाना मंगवा कर नहीं खा रहे तो समझ लीजिए कि उस दिन का खाना हम लोग किसी और दिन पोस्टपोन करके खा लेते हैं। बट मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम लोग घर पर खाना मंगवा लेते हैं जब से अनिका हुई है। उससे पहले तो हर 12 को हम लोग बाहर ही खाना खाने जाते थे। तो हमने हमारी मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें बना कर रखी है। जैसे हर एक घर में कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, वैसे हमारे घर में ये भी एक स्पेशल रूल है जो कि हम लोग शादी के बाद से ही फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा मेकअप, एंड बस बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू सो मच, मैं आपको पहले से ही बोल दूँ, आई एम श्योर आपने अभी तक वेडिंग एनिवर्सरी के लिए बहुत सारे मुझे विशेष भेज दी होंगी। थैंक यू सो मच। अब मेरी लाइफ ऐसी हो गई है ना कि आपके एक भी शुभकामनाएं कि बिना मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, चाहे वो मेरा बर्थडे हो, राज का हो, अनिका का हो, या फिर हमारा वेडिंग एनिवर्सरी, फिर या फिर कुछ भी त्यौहार हो, आप लोगों के शुभकामनाएं के बिना अच्छा नहीं लगता। इतने स्पेशल हो गए हो आप सब मेरी लाइफ में और हमारी पूरी लाइफ में। चलिए फिर, बाय बाय।